माएं बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, नमन करते हुए आपसे कहूंगा, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं इनसे भी कहूंगा, दिल से अगर आप संकल्प रिझा रहे हो ना, तो ये व्यासपीठ से कहता हूं कि आप 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम सीहोर पहुंच जाओगे। दिल से अगर रिझाया है आपने, संकल्प मनाया, दिल से प्रार्थना करी मेरे शंभू से, मेरे ओघरदानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी से, आप कहे दिल से, शंभो शरण मांगो घड़े दुख दया करी ने दर्शन। बाबा बस जीवन के सारे दुख रोग बीमारी तकलीफ सब कष्ट दूर। नहीं करती थी वृंदा शंकर को, हम कभी नहीं, आपने कभी शिवपुराण के माध्यम से कभी सुना कि हमने आपसे कहा कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर इतने रुपए खर्च करना या इतना रुपया देना या इतना आप लगाना, कभी कहा यहां से व्यासपीठ से कभी नहीं बोले कि आप इतना खर्चा करो या आप इतना लगाओ। व्यासपीठ से इतना जरूर बोले हैं कि एक लोटा पानी, या कभी बोला होगा तो फूल या शमी पत्र या बेल पत्र, और बोला होगा तो तुम्हारे घर में जो सामान होगा वही बताया होगा, शहद है, घी है, या शमी पत्र है, या पीपल का पत्ता है, या आदि आदि काली तिल, काली मिर्च आदि आदि जो भी होगा वही आपके घर में जो है वो शिव को दो, जो तुम्हारे पास है वो भगवान को दो, भगवान उसको स्वीकार करेगा। तुम्हारा अपना जो तुम्हारे पास में है वो आप भगवान को दो, भगवान से स्वीकार करें। अब शिव को प्रदान करो तो दिल से दो, जो जो भी दे रहे हो ना दिल से प्रदान करो। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज जी, कभी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा महाराज, उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा, ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में रखे रहने देना, अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर जल, श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव, तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए, बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस दंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए, चढ़ाते समय दंडी का भाग अशुक सुंदरी की ओर रख दें महाराज, झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए, 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप्प पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम रूपेश्वर महादेव, भगवान शंकर आनंद की राशि है, शिव सुख की राशि, आनंद दे, शंभो शरणे मांगो दुख दया करी ने दर्शन। भगवान शिव ओघरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर के चरणारविंद कर रस स्वादन सुख दे। महाराज माता वृंदा देवी का सातित्व प्रबल था, कैसे मारा जाए, शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, मैं इसका सातित्व प्रबल है इसलिए मार नहीं सकता, इसका सातित्व जब डोलेगा तो मैं इसको मार सकता हूं, तो सातित्व कैसे डोलेगा, तो भगवान विष्णु ने कहा एक काम करता हूं, मैं जलंधर बनकर उसके घर में जाता हूं, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाए, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाओ। भगवान ओघरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी जलंधर को ले गए युद्ध के मैदान में, भगवान नारायण जलंधर बनकर उसके घर में प्रवेश कर गए, वृंदा के साथ रहने लगे,
लीजिएगा। मेरे शंकर भगवान ने भगवान नारायण से ये नहीं कहा कि आप जलंधर बनकर जाओ। मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि आप रूप बदल कर जाओ। मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि आप जाकर उसके साथ छल करो। मेरे शंकर भगवान ने केवल इतना कहा कि इसका सातित्व अगर पक्का है तो मैं इसको मार नहीं सकता। अगर सातित्व पक्का है तो मैं इसको नहीं मार सकता, मैं इसको संहार नहीं कर सकता। आप जाए ना जाए वो आपके ऊपर। कहना शिव का काम है, करना आपका काम। आप अगर शंकर की भक्ति को धारण कर रहे हैं, शिव तत्व को धारण कर रहे हैं। एक माता जी ने लिखा है, गुरु जी आपने अभी और बहुत सारे पत्र तो यहां पड़े हुए हैं, ये पड़े नहीं है परंतु उम्मीद है बाबा का। एक पत्र में लिखा है कि आपने जो सावन के महीने में शिवरात्रि का पूजन कराया था, उस समय पर मेरे हाथ में उस पूजन के 15 दिन पहले पैरालिसिस आ गया था, एक भाग पूरा काम करना बंद कर दिया था। फिर भी मेरे बेटे और बहू ने वो सावन के महीने की शिवरात्रि पर रात को जो अभिषेक करा, काली मिर्च उसमें समर्पित करी, उसी में से एक काली मिर्च उठाकर मैंने वो काली मिर्च खाई और बाबा की कृपा से 15 दिन के अंदर मेरा हाथ काम करना चालू कर दिया। ये विश्वास आपका, ये भरोसा आपका था। कई लोगों ने वो काली मिर्ची का विरोध भी करा क्योंकि मिर्ची जरा ज्यादा लग गई थी। अब जो नी पड़ता है उसको तो मालूम ही नहीं कि काली मिर्ची का वर्णन लिखा हुआ है। पहले भी हमने सियोर व्यासपीठ से कहा कि इस अध्याय में, इस श्लोक में, इस जगह पर लिखा हुआ है कि शंकर को काली मिर्ची चढ़ती है। बोलो, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। अब उसके बाद भी अगर लोग उस चीज का, क्योंकि व्यक्ति है, मानव है, ये मानव शरीर है, इससे, और हम कहते हैं कि प्रयास करेंगे हम अपनी जिंदगी में, और आज तक भी प्रयास करते रहे हैं। आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, इतना भरोसा रखना। इस व्यास पीठ से वही बोलेंगे जो इस शिव महापुराण में लिखा होगा, जो उपाय बताएंगे वो पुराण के अंतर्गत के बताएंगे, एक भी उपाय ऐसा नहीं बताएंगे जो जीवन में दुख दे। और आप लोगों ने उपाय करे होंगे, सबको लाभ मिला होगा। बोलो, मिला कि नहीं मिला? इंदौर जैसे शहर के लोग भी अगर उपाय कर रहे हैं तो उसका लाभ, जो लिखा है उसको बताओ। मां अपने बेटे को भी कहती है कि बेटा जा रहा है, सुनो, तोरण पर जाओगे, घोड़ी पर चढ़कर जाओगे, तोरण लगाओगे, अंदर जाओगे, तुम्हारी सासू मां तुमको कुछ खाने को देगी, तो एकदम मुख आगे मत करना, वो हाथ खींच लेगी। बोला, समझा के भेजती कि नहीं भेजती? मां भी समझा के भेजती है। मेरे वेद व्यास जी महाराज ने अगर ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की रचना करी है तो जनमानस को समझाने के लिए करी है कि अगर जीवन में दुख है तो शंकर को ये वस्तु समर्पित कर देना, शिव तेरा कार्य कर देगा, शंकर तेरे को संभाल लेगा, तुम शिव के हो। अब आगे आप लोग गिरते हो, दूल्हा अगर मम्मी की केना नहीं माने, माँ का केना नहीं माने तो लब, अब माँ ऐसा करे सासू और वो मुंह लेके आगे आ, फिर वो माँ हाथ पीछे करे, फिर आगे करे, फिर पीछे करे, फिर आगे करे, तो लोग उसकी सखियां जितनी दुल्हन की वहां से उड़ाए, फिर संसार। अगर वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है कि आप शिव को ये समर्पित करिए, शंकर को जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए, ये धतूरा चढ़ाइए, इस भाग को समर्पित करना है, अब आगे आपकी मर्जी। कई कई लोगों को तो ये तक नहीं मालूम था कि सावन महीने में भी शिवरात्रि आती है, बस आ गई और निकल गई। मालूम है, सोमवार की अष्टमी पड़ती है, शिव और पार्वती का मिलन होता है, उसका व्याख्यान वर्णन, उसको समझो। शमी पत्र की क्या महत्वता है उसको समझो, बेलपत्र की क्या महत्वता है उसको समझो, उसको समझना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शंकर की भजन कर रहा है, भगवान शिव की कथा कर रही है, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रही शिव तत्व। वृंदा को मारने, वृंदा के साथ दिखाने के लिए शिवजी ने एक बार भी नहीं कहा कि भगवान विष्णु आप रूप रख कर जाओ, क्योंकि मेरे शंकर और मेरी पार्वती हमेशा एक मंदिर में रहकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। ये वर अगर देते हैं तो मेरे शंकर देते, माता पार्वती देते।
कोई दूसरा नहीं दे सकता। भगवान विष्णु ने वृंदा के सातित्व को डिगा दिया, शिव जी ने जलंधर को मार दिया, जलंधर का सिर कटकर वृंदा की गोद में जाकर गिरा। जैसे वृंदा की गोद में आया, वृंदा चीख पड़ी, मेरे पति का अगर आशीष है तो पलंग पर जो सोया है वो कौन है? जाकर पूछा, नारायण ने अपना असली रूप दिखा दिया। दिखाया, क्रोध आ गया। वृंदा ने कह दिया, वाह नारायण वाह, आपने मेरे साथ छल करा है, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर बनोगे। और वृंदा हाथ में जल लेकर अपने ऊपर छीट कर तुलसी का क्यारा बनती है। जब तुलसी का क्यारा बनने लगी वृंदा, शिव जी से कहा, भोलेनाथ आपने मेरे पति को मारा है, आज आपसे कहती हूँ कि मैं तुलसी बनने के बाद मेरा तुलसी का दल आप पर नहीं चढ़ेगा। केवल वर्ष में एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है, रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में शंकर भगवान पर तुलसी और ठाकुर जी को बेलपत्र समर्पित होती है। वो बेलपत्र और तुलसी को उठाकर शहद की शीशी में रखा जाता है। शहद की शीशी में उसको रखकर जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि में कमजोर हो, जिसकी चंचल वृत्ति हो या मन पढ़ाई में स्थिर नहीं हो रहा हो, उसको एक महीने तक वो शहद चटाया जाता है। एक महीने से ज्यादा नहीं चटाना है। कई कई लोगों का जो दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि विवेक काम नहीं करता, उसके लिए भी पहले वर्णन करा कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे चम्मच में लेकर जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को 2 या 3 अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है। जिसके शरीर पर सफेद दाग पड़ गए हों, चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस बछड़े का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर में जहां जहां पर सफेद दाग पड़ गए हो, चमड़ी सफेद हो गई हो, उस जगह पर लगा लीजिए। चंद्रमा की रोशनी में कम से कम आधा घंटा बैठ जाइए और बैठने के बाद में उसके बाद में फिर स्नान कर लीजिए। 2 या 3 पूर्णिमा उस फेन का प्रयोग कर देखिए, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है महाराज।